अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जी आती राजपूत। और पिछली वीडियो में हमने सीखा था लेसन नंबर 1 और आज की वीडियो में हम सीखेंगे लेसन नंबर 2। तो मैं गाड़ी में बैठ कर आपको इंट्रो करवा रहा हूं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो चलें आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास आ गई जनाब शीट, ठीक है। तो पहले लेसन में हमने पढ़ा था सेल के बारे में, सीखा था हमने बेसिक नॉलेज के बारे में, ठीक है, एक्सेल की बेसिक नॉलेज के बारे में हमने सीखा था। तो आज हम करेंगे काम फॉर्मेट पेंटिंग पे, टेक्स्ट पे, नंबर पे, फॉन्ट वगैरह पे, ताकि आपको जो फॉर्मेट पेंटिंग है उसके बारे में बताऊंगा, आपको इस चीज़ों की भी समझ आए, पिक्चर भी समझ आए, ताकि आपको भूले ना, ठीक है। उस बेस पे आप इस बेस पे काम करेंगे तो आपको बात आसानी से समझ आएगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और आपने करना क्या है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये आ गया जनाब हमारे पास सेल, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि कैसे बनता है, ठीक है। तो अभी जो मेरे पास ये सेल है, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा टेक्स्ट, आती टेक्स्ट, ये आ गया, एंटर किया, ये लेफ्ट साइड पे, ठीक है, 1 2 3 4, एंटर किया, ये राइट साइड पे आ गया। अब एक्सेल जो है वो जब आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो लेफ्ट साइड पे करेगा, जब आप 1 2 3 4 5 टाइप करेंगे तो वो राइट पे टाइप करेगा, लेकिन ये खुद ब खुद कर लेगा, ठीक है, खुद ब खुद कर लेगा। अब दूसरी चीज़ें, हमने इसको लेफ्ट पे करना है, कुछ हमारी कमांड, कुछ हमारा काम इस तरह का है कि हमें इसको लेफ्ट साइड पे करना है, लेकिन ये राइट साइड पे, कुछ कहीं पे भी टाइप करें ये राइट साइड पे जाएगा, लेकिन इसको लेफ्ट साइड पे कैसे करना है वो हमने इसको समझाना है, एक्सेल को बताना है कि ये हमारी क्या करना चाह रहे हैं, जैसे कि नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, आप करना क्या चाह रहे हैं, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है, टाइम है, परसेंटेज है, क्या है, ठीक है, ये तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि अब इसको मैं लेफ्ट साइड पे करना चाहता हूँ, या ये है, इसको लेफ्ट साइड पे करना चाहता हूँ, तो मुझे इसको पहले तो आपने सेल को सिलेक्ट करना है जिसको आपने लेफ्ट साइड पे करना है, जिस पे आपने कोई कमांड लगानी है, पहले उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि सेल को पहले हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ही उस पर वर्क होगा। जनरल पे गए, टेक्स्ट एंटर किया और ये लेफ्ट साइड पर आ गया, इसलिए इसको हमने इसलिए लिखा है ताकि एक चीज़ हम टाइप कर रहे हैं, ठीक है, ये किया। अब ज़ाहरी बात है इसको तो हम राइट साइड पर करेंगे, ये तो फिर बनेगा नहीं, ठीक है। अब आ गई जी दूसरी चीज़, इसको हमने इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा करना है, इसका स्टाइल चेंज करना है, तो स्टाइल इसका चेंज होगा, यहाँ पे कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, इसका स्टाइल चेंज होगा। इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा आप ख़ुद से करना चाहते हैं जो इस पर लिखा हुआ है, उसके अलावा आप इस ख़ुद से ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, 100 करना चाहते हैं, तो आप इस यहाँ पर 100 लिखेंगे, एंटर करेंगे तो वो 1 2 3 4 का वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, पहले जो भी मैंने एक आपको चीज़ बता दूं, कुछ भी काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको उस सेल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब इस पर हम क्लिक किया, कोई भी कलर हम इसको दे सकते हैं, ये कलर आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इस पर तो पीछे और भी सेल पड़े हुए हैं, लेकिन हम उसको भी सेम इस तरह का करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये होता है फॉर्मेट पेंटिंग, ठीक है। जैसे कि ये चीज़ है और मैं इस चीज़ को भी सेम इसी तरह का करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, सबसे पहले मैं सेल को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया ये ब्रश का निशान है, किसी के पास लिखा होगा फॉर्मेट पेंटिंग, किसी के पास नहीं लिखा होगा, किसी के पास जस्ट ब्रश बना होगा, ठीक है, लेकिन मेन ये कि ये ब्रश है, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, किसको आप जब इसको सिलेक्ट किया तो इसका मतलब ये है कि जो आपने कमांड लगाई है वो लग गई है, ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम आती को करना चाहते हैं, आती पे सिलेक्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद उस तरह का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि फॉर्मेट पेंटिंग, इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को उसकी शेप देना, या कोई भी आप वर्ड लिख रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ का तो आपने इतनी मेहनत कर ली है एक सेल पे, अब दूसरों जो दूसरे सेल बने हुए हैं उस पर भी ये मेहनत करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसके लिए फॉर्मेट पेंटिंग यूज़ होती है, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं फिलहाल बैक, क्योंकि कचरा, खैर मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था, ये मेरे पास हो गया शीट नंबर 1। अब ये चीज़ें हैं, मैं कहता हूँ कैसे मैं वापस लेके जाऊँ, बार बार इसको वापस करूँगा, ठीक है, तो इससे बेहतर है मैं एक नई शीट ओपन कर लेता हूँ, ये मेरे पास नई शीट आ गई है,
ठीक है, अभी मेरे पास ये बना हुआ है, सारा कुछ बॉक्स बने हुए हैं, लेकिन मुझे इस पे सेल बनाने हैं, इस पे मुझे बॉर्डर लगानी है। कैसे लगाऊंगा मैं बॉर्डर इसको? आप किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करें, जैसे कि ये मैंने इतने बॉक्स सेलेक्ट कर लिए, अब इस पे मुझे क्या करना है, इसमें सेल बनाने हैं सारे, बॉर्डर लगानी है, तो कैसे लगाऊंगा मैं इसको? पहले तो मैंने कल भी आपको बताया था, जो पिछली मेरी वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको मेंशन किया था कि कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी हो तो लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे और जितनी चीज़ आपको चाहिए उतनी करके आप उसको छोड़ देंगे तो वो उतनी सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस पे हमको बॉर्डर लगाना है तो कैसे लगाएंगे? ये सेलेक्ट होगी, ये ऊपर आ गया, इसका नाम लिखा हुआ है बॉटम बॉर्डर। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएंगे हम। ज़ाहरी बात है हमको सारे सेल बनाने हैं, सारे सेल करने हैं, सब पे बॉर्डर लगाना है, तो हम करेंगे ऑल बॉर्डर। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑल बॉर्डर लग गया। ठीक है, तो आज की क्लास में फ़िलहाल आपको इतना ही मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट लेसन होगा वो मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा।